तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और करीम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने हमको हिदायत दी और हमने आज यहाँ पे फिलिस्तीन पे जो हो रहे हैं हमले, उस हमले पर रोकने के लिए हमने यहाँ कोशिश की और कोशिश करने के लिए हमने दुआओं का इंतजाम किया। दुआ के साथ साथ हमने ये कोशिश की कि हमारी माएँ बहनें बच्चे यहाँ पे एक जगह जमा होकर उनके लिए दुआ करें, उनके धरने में आंदोलन में हिस्सा लें और धरने लेकर हम हमारे दिलों में उनके लिए जो कुछ मोहब्बत थी वो मोहब्बत के लिए हमने ये कोशिश की थी। अल्लाह का करम रहा, लेकिन आज यहाँ पे चूँकि बहुत बड़े पैमाने पे कुली समाज का ऑलरेडी 12 दिन से एक आंदोलन चल रहा था, हमारे पे कुछ रिस्ट्रिक्शन हमारी पुलिस महकमे की आई और हमने उनको वादा किया कि हम कम से कम 100-100 लोगों की इसमें हम ये करेंगे। और आपने देखा कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 वक्त दुआ हुई। हमारी माए बहनों में आलमा ने दुआ की, हमारे मर्दों में 2 बार दुआ हुई, हमारे शरीफ शाह के लड़के हाफिज साहब ने दुआ की और अल्लाह का करम रहा कि सबों ने आमीन कहा। और अल्लाह की ज़ात से हमको पूरी उम्मीद है कि हमारी ये जो कोशिश है अल्लाह ज़रूर इसको रंग लाएगा और हमारी दुआएं कबूल करेगा। और जो फलस्तीनियों पे और गाज़ा पे जो हमला हो रहा है वो हमले रुक जाएंगे इंशाल्लाह और फिर से फलस्तीन फतेह होगा। और मस्जिद अक्सा के लिए जो हम लड़ रहे हैं, हमारी जो कोशिशें चालू है और जो 75 साल से फिलिस्तीनी अपने हक के लिए लड़ रहा है इंशाल्लाह वो भी अपने हक में जरूर जीतेंगे, ऐसी अल्लाह की दाद से पूरी के पूरी उम्मीद है। आज यहाँ पे हम समझे थे कि हमारे 200 की तादाद में आएंगे, लेकिन हजारों की तादाद में यहाँ आए। आपने देखा कि हमारी माए बहने भी आई, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे भी आए, हमारे नौजवान भी आए, हमारे बुजुर्ग भी आए, हमारे बीमार भी आए। इसका मतलब साफ है कि उनके दिलों में यही है कि हमारी मस्जिद अक्सा, हमारे फलस्तीन पे जो ये हो रहा है उनके लिए उन्होंने दुआ की। इसलिए मैं सभी का जलगांव शहर की तरफ से उन सभी हजरात का, हमारे मेहमानों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत अच्छे अंदाज में हुआ। मैं पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने हालात ख़राब होते हुए भी उन्होंने हमको चंद आधा एक घंटे की परमिशन दी, हमने उनकी परमिशन पे के हिसाब से यह आज प्रोग्राम को जल्द से जल्द निपटा। अभी हम कुछ लोग जाके वहाँ निवेदन देंगे कलेक्टर साहब को, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जो है वो हमारे राष्ट्रीय महासंघ के सेक्रेटरी, उनको दिया जा रहा है, ताकि हम उनको कह रहे हैं कि आप ये जंग को जल्द से जल्द बंद करो, जो गाज़ा पे जो निर्बंध लगाए उसको जल्द से जल्द उठाओ, जो अस्पतालों पे और इस पे जो हमले हो रहे जो कि युद्धबंदी के नियम के हिसाब से गलत है उसको जल्द से जल्द रोका जाए। ये हिसाब से आज हमने यहाँ पे कोशिश की और अल्लाह का ये शुक्र है ज़्यादा।